इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ आता है एक क्वेश्चन और आता है रिजल्ट के साथ ही कि चलो ठीक है प्रोडक्ट महंगा भी ले लें कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी लगा दें, पर क्या गारंटी है कि मेरा को इस बीमारी का रिजल्ट मिल जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल सही सवाल है सर आपका। हर एक व्यक्ति सवाल करता है जब हम किसी के पास जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भंडारी सर, बोलते जी आप है ना प्रोडक्ट छोड़ जाओ हमारे पास, हम यूज कर लेते हैं, ठीक हो जाएंगे तो पैसे दे देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट की गारंटी का कैसे हमको? जी मैं आपको बताता हूँ सर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है या आप में से कोई व्यक्ति का ऐसा क्वेश्चन है कि भाई गारंटी क्या है, हाँ रिजल्ट तो दोस्तों गारंटी शब्द तो हमारा अगले पल क्या होना है, हमें एक इंसान की गारंटी नहीं नहीं मालूम सही है गलत है। बराबर किसी भी क्षेत्र में चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर हो, मीनवाइल चाहे हेल्थ के सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सर, बड़े बड़े मेडिकल साइंस किसी को गारंटी नहीं देते हैं। जब हम हमारा अपना कोई परिजन आईसीयू में ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो डॉक्टर से साइन कराता नहीं कराता है कि भाई अगर कुछ हो गया हमसे, अगर कुछ हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ हो गया तो उसे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम साइन करते हैं। जबकि डॉक्टर को पूरा पता होता है कि भाई मैं सर्जन को पूरा पता होता है कि 100% मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो दोस्तों गारंटी तो बहुत दूर की बात है, वो आश्वासन भी नहीं देते हैं। सही है, उल्टा हमसे लिखवा लेते हैं, उससे उल्टा हमसे लिखवा लेते हैं कि भाई ये है करके। सही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वो गारंटी दे देंगे और किसी को कुछ हो गया तो आप तो उनके गले पड़ जाओगे, उनका जीना मुश्किल कर दोगे। सही है गलत है? और ऐसे हमने कई केस आए दिन हम टीवी मीडिया पर सुनते भी आते हैं, क्या फलाने के रिश्तेदार की डेथ होने की वजह से उनके रिश्तेदारों ने हंगामा कर दिया, अस्पताल तोड़फोड़ मचा दी, डॉक्टर्स को पीट दिया, राइट? जी जी ओके। अब हम बात करते हैं सर यहां पर गारंटी की। सर मेरी समझ में गारंटी से बड़ा है प्रमाण। जी जी गारंटी से बड़ा है प्रमाण। हम किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास अपने मरीज को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले जाना चाहते हैं? गारंटी देगा इसलिए या इसलिए कि हमने ये देखा है कि फलाने अस्पताल से मरीज ठीक होकर के आता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। पहले कोई अपना ठीक होकर आ गया होगा जानकारी के अंदर, राइट? हाँ बड़े अच्छे भाई वो डॉक्टर साहब अच्छे हैं, ओके बिल्कुल, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात सर, आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में किसी भी इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन कराते हो, गारंटी है कि वो वहां से सफल होकर के निकलेगा? क्या वो इंस्टीट्यूट आपको गारंटी देता है कि आपका बेटा 100% आईएएस आईपीएस बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? और या फिर आपने उस इंस्टीट्यूट में इसलिए दाखिला कराया क्योंकि आपके पास में प्रमाण है कि उस इंस्टीट्यूट के बहुत बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे अच्छी जगह पर उनको पहुंच चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है प्रमाण की वजह से? प्रमाण की वजह से, यस और नो? यस। तो सर मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि गारंटी तो यहां पर मेरी खुद की नहीं है कि मैं कल रहूं या ना रहूं। मैं प्रमाण दे सकता हूं, मैं प्रमाण दे सकता हूं सर। मैं अगर आज इस बिजनेस में हूं दिलीप सर, जी जी जी, तो मैं स्वयं रिजल्ट की वजह से हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और पिछले 6.5 साल में, 5.5 साल में अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं रॉयल डायमंड तक, तो मेरे पास में सर रिजल्टों की भरमार है। मैं आपके रिलेटेड प्रॉब्लम के हर एक उस व्यक्ति से बात करा सकता हूं जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन बावजूद उसके सर गारंटी मैं फिर भी नहीं दूंगा। सर मेरी मदर डायबिटीज कंट्रोल है, मेरी मदर को बीपी कंट्रोल है, मेरी मदर को मेरे प्रोडक्ट हमारे एसएलपीएस के प्रोडक्ट यूज करने से सर L4, L5, S1 बल्ज है उनकी, डिस्क बल्ज है, और उनको आज हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उनकी कमर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, लिगामेंट की प्रॉब्लम कहां गई पता नहीं, उनको इंसोमनिया था सर, नींद नहीं आती थी, हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उनको नींद आती है। लेकिन उसके बावजूद मेरे घर में खुद रिजल्ट होने के बावजूद, मुझे रिजल्ट मिलने के बावजूद भी मैं सर आपको गारंटी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसके पीछे एक कारण है सर, हर इंसान की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है, हर इंसान के शरीर के सेल्स का टेम्परामेंट अलग अलग होता है, वो हर्ब्स आपके शरीर में
काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सर, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो हब्स आपका शरीर ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि सर दो रोटी खाते तो भी वजन बढ़ जाता है, और एक आदमी 20 रोटी खाता है तो भी वजन नहीं बढ़ता। अनाज तो वही है, एक बंदा परेशान है कि यार मैं पानी भी पी लेता हूं तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है, और एक बंदा कहता है कि यार मैंने कितनी कोशिश कर ली उसके बावजूद भी मेरा वजन नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो ये हब्स तो है जरूर, राइट। इसकी अब हमारे शरीर में ये काम करेंगे या नहीं, ये कोई केमिकल थोड़ी है कि रासायनिक क्रिया करेगा जाकर के, सही है। तो आपका शरीर अगर उन हब्स को ऑब्जर्व कर लेगा तो मे भी आपको रिजल्ट मिल जाए, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये तय है कि रिजल्ट मिले या ना मिले, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। और वैसे अपन देखते हैं कॉमन की अगर अपने 10 को प्रोडक्ट दिए तो उसमें 7 से 8 लोग ठीक होते हैं। अरे सर बिल्कुल, 7 से 8 नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 8 से 9।